अस्सलाम वालेकुम। आज छोटे साइज़ के करेले आए थे घर में, तो मैंने कहा इसे भर में करेले बनाते हैं। तो अभी इसको पील करते हैं और इन्हें धोते हैं। इसका कॉर्नर उतार के इसे पील कर लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। ये करेलों को हमने छील लिया है और इसका छिलका भी साथ में सेव कर लिया है। अब हम करेले को मिडल में से टक लगाएंगे और इसके अंदर का गूदा और बीज निकाल के फेंक देंगे। सब करेले हमने इस तरह अंदर से खाली कर लिए। अब इसके ऊपर नमक डाल के और इसे हल्का हल्का ऐसे मसल के हम छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए या ओवरनाइट के लिए। करेलों को हमने अच्छी तरह मसल के एक साइड पे कर लिया और अब इसके छिलके को भी ऐसे मसल लेंगे। अब हम करेलों को और इनके छिलकों को अच्छी तरह धो के और निचोड़ लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल के अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं इस ऑयल से। इसी ऑयल में अब हम करेलों का क्रम्स डाल के फ्राई कर लेंगे। क्रम्स ज़रा जल्दी हो जाता है इसलिए इसे हमने आखिर में डाला है। क्रम्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम करेले और क्रम्स को इकट्ठा रख लेंगे। एक कढ़ाई में प्याज ले लिए, अब उसमें ऑयल डाल के इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन हो चुके हैं, इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। मेरे पास चिकन का कीमा था, मैं वही डाल रही हूँ। आप बीफ या मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, नमक, लाल कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, हल्दी। इसे मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। कीमा फ्राई हो गया, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटरों को मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे ताकि ये कीमा और टमाटर गल जाएं। कीमा गल गया। कीमे में अब हम हरे प्याज और हरी मिर्चें काट के बारीक बारीक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम करेलों में ये फ्राई किए हुए क्रम्स डालेंगे। कीमा हमारा तैयार है, अब हम ये फ्राई किए हुए करेलों में इसकी फिलिंग करेंगे। कीमे के हम फिलिंग करेंगे करेले में, फिर धागे को इसके ऊपर रोल कर लेंगे। सारे करेले इसी तरह रेडी करके हम इसे पैन में डाल लेंगे। कीमा करेले रेडी हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। भरे हुए करेले रेडी हैं, आप इन्हें सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ करें या चपाती के साथ, तो ये आपको बहुत मज़ा देंगे।